हेलो फ्रेंड्स, आपका मैं चैनल द फोकस विद विनय पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। फ्रेंड्स में जो RTI लगाया था आप लोगों के लिए, उसका रिप्लाई आ चुका है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा रिप्लाई आया है जिसका मुझे उम्मीद था। मैं बार बार यही कह रहा था कि यही होगा, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे मेरे बात को। तो रिप्लाई बहुत ही पॉजिटिव आया है। फ्रेंड्स, मैंने 4 क्वेश्चन किए थे, इसमें 3 का तो आंसर नहीं दिया है, बोल दिया कि भर्ती प्रोसेस में है, लेकिन 1 का रिप्लाई आ गया फ्रेंड्स, जो बहुत बड़ा रिप्लाई था, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बाकी 3 तो जो था केवल स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए था, लेकिन जो 1 रिप्लाई आया है जिसको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो आ चुका है फ्रेंड्स, उसका रिप्लाई मिल गया फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है और आप लोग को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग अब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ये रिप्लाई देखने के बाद। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग देख लोगे सारा डाउट क्लियर, इसलिए मैंने देखिए अब थंबनेल क्या बनाया है, RRB ग्रुप डी 2018 आ गया RTI का रिप्लाई। अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कन्फ्यूज़न वाकई दूर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और लाइक बनने का शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, ताकि सब तक ये अपडेट पहुँच सके कि हाँ ऐसा है, रूल ये है, क्योंकि आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं। तो शेयर तो ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, बाकी कुछ करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, हम आपके वीडियो पर आते हैं, आपको रिप्लाई दिखाते हैं रिप्लाई क्या आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखा हुआ ऊपर हेडिंग, योर RTI एप्लीकेशन अंडर रेफरेंस एबव द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट इज फर्निश्ड बिलो, आइटम नंबर, इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय द एप्लीकेंट, डिपार्टमेंट्स, रिस्पांस, रिप्लाई टेक्स्ट, एनेक्सरी फैनी। तो फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ अब्सेंट कैंडिडेट्स इन DV। तो इसका क्या रिप्लाई है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट येट फिनिश्ड। तो इनका कहना है कि ये हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमको इस बात का उम्मीद था कि ऐसा रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी अगर रिप्लाई लगाया था तो यही जवाब मिला था। सेकंड का भी सेम रिप्लाई, सेकंड क्वेश्चन मेरा था नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर सीवर मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉन PWBD कैंडिडेट्स, इसका भी रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया है। थर्ड क्या है, नंबर ऑफ नॉन PWBD कैंडिडेट्स हु गॉट C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसका भी रिप्लाई नहीं दिया। सेकंड का लोग दे सकते थे कि कितनी सीट अवेलेबल है, पर इन्होंने नहीं बताया। अब फोर्थ, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए हो, फोर्थ क्या है, द वैकेंसीज ऑफ एक्स सर्विसमैन CCA एंड PWBD आर इंक्लूडेड इन 2577 पोस्ट आर नॉट, तो ये रिप्लाई है नॉट। यानी क्या है, ये वैकेंसी अलग एक्स सर्विसमैन की, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की और PWBD की, तीनों वैकेंसी अलग है, टोटल में काउंट नहीं होगा फ्रेंड्स। ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, जो आप लोग परेशान थे जिसके लिए कि नहीं इसमें से रिजर्व हो जा रहा है, C1 की सारी पोस्ट जो है PWBD वाले ले रहे हैं, और ह्यूमन स्टडी वाले ने अफवाह उड़ा भी दिया था कि जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है कि ये क्या हुआ है, जो C1 में आती है हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट, वो क्या हुआ, PWBD के रिजर्व हो गया है। तो आप लोग ह्यूमन स्टडी को कुछ ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, जो कि केवल अफवाह फैलाता है और बाकी कुछ नहीं। आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, वो हमेशा अफवाह ही फैलाता है, झूठ में अफवाह फैला दिया, गोरखपुर का वीडियो बना दिया कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट जो है वो PWBD के लिए रिजर्व हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। PWBD की वैकेंसी अलग है और बाकी नॉन PWBD की वैकेंसी अलग है, एक्स सर्विसमैन भी इसमें टोटल में नहीं है, CCA भी टोटल में नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब क्या है, अब C1 वालों के लिए क्या फाइट है, केवल A2 B1 B2 का फाइट है, ये PWBD की कोई फाइट नहीं है, CCA की नहीं, एक्स सर्विसमैन की। तो आप लोग परेशान ना हो, फेक चैनल पर आप विश्वास ना करें, बिना प्रूफ के किसी चैनल विश्वास ना करें, मेरे ऊपर विश्वास ना करें अगर मैं कोई प्रूफ नहीं देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग कुछ ज़्यादा विश्वास करते हैं फेक चैनल्स पे। तो देख लीजिए हमको रिप्लाई आया है, और भी आप लोग चाहते हैं मैं कोई क्वेश्चन करूँ, कोई RTI लगाओ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमको बस इतना ही अपडेट देना था, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि सब तक ये बात पहुँच सके। और हाँ, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिया है। थैंक यू।